विद्यार्थियों हम पढ़ रहे थे रुचिरा प्रथम भाग इस पाठ्य पुस्तक का नवम पाठ जिसका शीर्षक था क्रीड़ा स्पर्धा ठीक है इसके पहले भाग में हमने पढ़ लिया था विद्यार्थियों कि किस प्रकार विद्यालय में स्थित छात्र छात्राएं आपस में बात कर रहे हैं और क्रीड़ा प्रतियोगिताओं के विषय में बात कर रहे हैं और वो एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि तुम किसके साथ खेल रहे हो तुम किस टीम में हो इत्यादि इत्यादि आइए विद्यार्थियों इस भाग में हम पढ़ने वाले हैं क्रीडाया महत्वम अर्थात खेलों का महत्व खेल का महत्व ठीक है आइए आगे चलते हैं पार्ट में क्या होता है ये क्रीड़ांगन का दृश्य है यानी खेल के मैदान का दृश्य है और यहाँ पर विद्यार्थी खेल रहे हैं अब आगे देखिए बातों ही बातों में इंद्र हुमा से कहता है क्या कहता है हुमे किम त्वम न क्रीड़सी तव भगिनी तुमम पक्षे क्रीड़ति यहाँ पर देखिए इंद्र हुमा को कहता है कि हे हुमा किम क्या तुम तुम न नहीं क्रीडसी खेल रही हो क्या तुम नहीं खेल रही हो तव भगिनी तव यानी तुम्हारी ठीक है भगीनी यानी बहन तू निश्चय ही मम मेरे पक्षे पक्ष में यानी कि मेरे साथ में या मेरी टीम में क्रीडती खेल रही है ठीक है इंद्र ने किसको कहा इंद्र ने हुमा को कहा ठीक है आगे देखिए अब हुमा जवाब देती है क्या जवाब देती है नहीं ठीक है वह कह रही है कि मैं नहीं खेल रही मयम मयम यानी मुझे या मुझको ठीक है चलचित्रम चलचित्रम का मतलब होता है सिनेमा ठीक है ना चलचित्रम का मतलब सिनेमा रोचते यानी अच्छा लगता है मुझे क्या अच्छा लगता है चलचित्र यानी सिनेमा अच्छा लगता है ऐसा किसने कहा ऐसा हुमा ने कहा अब यहां पर देखिए विद्यार्थियों जो मयम है यहां चतुर्थी विभक्ति है और चतुर्थी इसलिए है क्योंकि रोचते के साथ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है ठीक है आगे देखिए परम लेकिन अत्र यहाँ पर अहम यानी मैं दर्शक रूपेण दर्शक के रूप में ठीक है ना दर्शक के रूप में स्थास्यामी रुकूंगी ठीक है ना या यहाँ पर मैं किस रूप में देखूंगी दर्शक के रूप में सारा जो प्रतियोगिताएं हो रही हैं सारा दृश्य जो है वो मैं देखूंगी ठीक है आगे देखिए फेकन कहता है अहो पूरन कुत अस्ती किसयामी स्पर्धायाँ प्रतिभागी नाइ अब यहाँ पर देखिए अचानक से फेकन को पूरन नजर नहीं आया ठीक है ना उसका जो दोस्त था वो नजर नहीं आया तो इसने पूछ लिया अब क्या पूछा अहो अरे पूरा कुत्र अस्थि पूरन कहाँ है कुत्र यानी कहाँ अस्थि यानी है पूरन कहाँ है किम क्या सह वह कस्याम अभी किसी भी स्पर्धायाम स्पर्धा में प्रतियोगिता में प्रतिभागी जो होता है नास्ती नहीं है प्रतिभागी नहीं है ठीक है ना फेकर ने क्या कहा विद्यार्थियों कि पूरन कहा है क्या वह किसी भी प्रतियोगिता में भाग नहीं ले रहा है या हिस्सेदार नहीं है ठीक है ऐसा किसने कहा फेकन ठीक है फेकन ने कहा, कहा. आइए अब आगे क्या होता है देखते हैं इससे पहले इसके कठिन शब्दार्थ तव तुम्हारी भगिनी यानी बहिन मयम मुझे या मुझको चलचित्रम यानी सिनेमा रोचते अच्छा लगता है परम लेकिन स्थास्यामी रहूंगी या रहूंगा ठीक है आगे देखिए क्या होता है पाठ में रामचरण रामचरण उत्तर देता है क्या देता है विद्यार्थियों सह द्रष्टुम न शक्नोती रामचरण ने कहा पूरण के विषय में कि सह यानी वह वह कौन पूरण द्रष्टुम देखने में न नहीं शक्नोती सक्षम है अर्थात वह देख नहीं सकता कौन देख नहीं सकता पूरन, ठीक है तस्मय अस्माक विद्यालय उसके लिए ठीक है ना यहाँ पर देखिए तस्मय यानी उसके लिए अस्माकम विद्यालय हमारे विद्यालय में पठनाय पढ़ने के लिए तू ठीक है निश्चय रूप से विशेष व्यवस्था वर्तते विशेष व्यवस्था है परम लेकिन क्रीड़ा ये खेलने के लिए प्रबंध नास्ती प्रबंध नहीं है विद्यार्थियों यहाँ पर क्या कहा है कि क्रीडा ये यानी खेलने के लिए प्रबंध यानी व्यवस्था नास्ती यानी कि नहीं है भाई पढ़ने के लिए तो व्यवस्था है क्योंकि वो कैसा है देख नहीं सकता तो उसके लिए ब्रेन लिपि का जो पठन पाठन होता है ब्रेन लिपि के माध्यम से उसकी व्यवस्था है जिससे वह अच्छे से पढ़ सकता है ठीक है ना लेकिन उसके खेलने की व्यवस्था नहीं है ठीक है क्योंकि जिस प्रकार एक आम विद्यार्थी खेलने की अपेक्षा रखता है खेलने की इच्छा रखता है और खेलता भी है उसी प्रकार जिस जो व्यक्ति जो विद्यार्थी देख नहीं सकता क्या वो नहीं खेल सकता वह भी खेल सकता है ठीक है लेकिन उसके लिए उचित संसाधनों की होना आ, का होना आवश्यक है ठीक है तो अब यहां पर देखिए ऐसी बात कौन कह रहा है रामचरण कह रहा है तो हुमा कहती है अयम कथम भी न्यायसंगत पूम परम प्रबंध से अभाड़ूँम न, न शक्नोति। हुमा कहती है अयम यानी यह कथम भी किसी भी प्रकार से न नहीं न्याय न्यायसंगत नहीं है ये न्याय संगत नहीं है उचित नहीं है पूरा सक्षम पूर्ण क्या है सक्षम है ठीक है ना परम लेकिन प्रबंध जो व्यवस्था है प्रबंधन जो है विद्यालय का ठीक है अभावत उसके अभाव से उसकी उस व्यवस्था के अभाव से क्रीडितुम खेलने के लिए न शक्नोती सक्षम नहीं है या खेलने में समर्थ नहीं है ठीक है यानी कि अगर व्यवस्था होती उचित तो पूरन भी खेल सकता था ठीक है आगे देखिए इंद्र तादृशानी अनेकानी मित्रणी सन्ती वस्तुतः तानी अथ आ, अन्यथा समर्थानी ठीक है यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों यहाँ इंद्र कह रहा है कि पूरन ही नहीं है ऐसा विद्यार्थी और भी कई विद्यार्थी हैं अर्थात अस्माकम तादृशानी हमारे वैसे ठीक है अनेकानी मित्राणी संति हमारे वैसे अनेक मित्र हैं कैसे पूरन के जैसे अर्थात जैसे पूरन देख नहीं सकता तो ऐसे ही और भी कई विद्यार्थी हैं जो देख नहीं सकते या अच्छे से चल नहीं सकते ठीक है इत्यादि इत्यादि अब यहाँ पर देखिए वस्तुतः वास्तविक रूप से तानी वे सब वे सभी विद्यार्थी अन्यथा समर्थानी अन्य किसी प्रकार से समर्थ हैं ठीक है यानी कि वे क्या हैं दिव्यांग हैं ठीक है इसीलिए वो क्या कर सकते हैं सक्षम है अपने आप में लेकिन यहाँ विद्यालय की व्यवस्था की वजह से खेल नहीं सकते ठीक है तो ये समस्या विद्यालय विद्यार्थियों के सामने आई अब आई तो फिर आगे देखिए क्या कहते हैं फेकन हा। फेकन क्या कहता है अतः वयम सर्वे प्राचार्य मिला तम कथयाम शीघ्रमेव कृते व्यवस्था भविष्य अतः इसीलिए सर्वे हम सभी प्राचार्य मिलामह प्राचार्य को मिलते हैं तम कथयामह और उनको कहते हैं क्या कहते हैं शीघ्रमेव शीघ्र ही तेषा कृते उनके लिए व्यवस्था भविष्यति व्यवस्था होगी ठीक है फेकन कहता है कि हम सभी क्या करेंगे प्राचार्य से मिलकर के कहेंगे कि उनकी व्यवस्था करें ताकि वो भी हमारे साथ खेल सके और अगर हम ऐसा प्राचार्य को कहेंगे तो उनके लिए शीघ्र ही व्यवस्था करवा दी जाएगी ठीक है तो ये अपना लघु सा पाठ था वार्तालाप के माध्यम से ठीक है ना और इसमें हमने देखा कि विद्यार्थी आपस में बातचीत कर रहे हैं यहाँ पर एक पूरन जो है वो देख नहीं सकता है और ऐसे ही अन्य जो विद्यार्थी हैं वो अन्यथा समर्थानी यानी कि अन्य किसी न किसी विशेष कारण से ठीक है खेल नहीं सकते हैं अर्थात वो दिव्यांग हैं ठीक है यानी कि अन्य प्रकार से वो सक्षम है तो ऐसे विद्यार्थी भी खेलें ऐसी जो खेल का महत्व है ये दिखाता है कि हर बच्चा खेल सकता है तो इस बात आई सामने ये सभी बच्चे प्राचार्य के सामने लेकर के जाते हैं और कहते हैं कि शीघ्र वो व्यवस्था करें ऐसा हम उनसे कहेंगे ठीक है विद्यार्थियों तो यहाँ पर देखिए ये जो हमने लघु वार्तालाप पढ़ा इसके आगे ये कुछ कठिन शब्दार्थ दृष्टों में यानी देखने के लिए क्रीडा यही खेल के लिए न्याय संगत उचित क्रीड़ितुम खेलने के लिए तादृशानी वैसे या उस प्रकार के अन्यथा समर्थानी भिन्न तरीके से योग्य जो हैं शीघ्रम एव शीघ्रम धन एव यहाँ पर देखिए शीघ्रम धन एव ठीक है दो पद हैं यहाँ पर जल्दी ही ठीक है विद्यार्थियों तो इस प्रकार हमने अपना नवम पाठ क्रीड़ा स्पर्धा पूर्ण कर लिया है अब हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे इसके अभ्यास प्रश्न तब तक के लिए बने रहिए धन्यवाद